भारत में धर्म से लेकर लोक संस्कृति तक में सांपों से जुड़ी कई रहस्य कथाएं और जनश्रुतियां कहीं सुनी जाती हैं। नाग नागिन और सांपों से जुड़ी कहानी बॉलीवुड का भी फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। हालांकि सांपों से जुड़ी कुछ ही फिल्में ऐसी हैं जो दर्शकों को लुभाने में कामयाब रही। आइए जानते हैं सांपों और नाग नागिन पर बेस्ड बॉलीवुड की कुछ चर्चित फिल्मों के बारे में। बॉलीवुड में सांपों और नाग नागिन से जुड़ी पहली बार कोई कहानी सिल्वर स्क्रीन पर आई तो वो थी प्रदीप कुमार और वैजयंती माला की 1954 में आई नागिन। नागों और जनजातीय कबीलों पर बेस्ट निर्देशक नंदलाल की इस फिल्म को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया था। वैजयंती माला की नागिन के 22 साल बाद एक और नागिन पर्दे पर आई। राजकुमार कोहली के डायरेक्शन में बनी इस मल्टी स्टारर फिल्म में इच्छाधारी नागिन के बदले की कहानी दिखाई गई थी। रीना रॉय के रूप में दर्शकों ने पहली बार रुपाले पर्दे पर खूबसूरत नागिन का दीदार किया था। फिल्म की सफलता ने कई फिल्मकारों को नाग नागिन पर फिल्में बनाने के लिए प्रेरित किया। श्रीदेवी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और सबसे हिट नागिन रही। 1986 में आई हरमेश मल्होत्रा की फिल्म नगीना में श्रीदेवी इच्छाधारी नागिन के अवतार में नजर आईं। इस फिल्म ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया था। साहित्य हरमेश मल्होत्रा ने निगाहें के नाम से 1989 में इसका सीक्वल बनाया, लेकिन यह फिल्म नगीना की तरह सफल नहीं हो पाई। नाचे नागिन गली गली नाग नागिन की मिलने बिछड़ने की लव स्टोरी पर बेस्ड थी। मीनाक्षी शेषाद्री और महाभारत सीरियल में कृष्ण बने नीतीश भारद्वाज फिल्म में नाग नागिन की भूमिका में थे। सफलता के लिहाज से यह फिल्म औसत ही रही। नब्बे की ही रिलीज दूध का कर्ज में अलग तरह की कहानी दिखाई गई थी। फिल्म में सांप के बदला लेने की नहीं बल्कि वफादार सांप की मदद से इंसानी बदले की कहानी है। फिल्म ने ठीक ठाक सफलता हासिल की थी। राजकुमार कोहली ने 2002 में बेटे अरमान कोहली का कैरियर चमकाने के लिए नाग नागिन की कहानी वाली मल्टी स्टारर फिल्म जानी दुश्मन बनाई। फिल्म में नागिन नहीं नाग के बदले की कहानी थी। यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। दो हजार दस में मल्लिका शेहरावत भी
हिस में बोल्ड और ग्लैमरस नागिन के अवतार में नजर आई थी। हिस बॉलीवुड हॉलीवुड की मिक्स फिल्म थी। मल्लिका के बोल्ड सीन्स की काफी चर्चा के बावजूद फिल्म नहीं चल पाई। इन फिल्मों के अलावा शेषनाग, नागमणि, नाग पद्मिनी, नाग लोक, नाग चंपा, नाग देवता, नाग ज्योति, नाग मोहिनी, नाग पूजा, नाग नागिन, विषकन्या जैसी कई और फिल्में नाग नागिन और सांपों से जुड़ी कहानी पर बनी। बाद में सेक्स के तड़के के साथ जंगल की नागिन, प्यासी नागिन जैसी बी ग्रेड फिल्में भी बनी, लेकिन ये फिल्में दर्शकों को सिनेमा हॉल तक लाने में नाकाम रहीं।